नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर बिहार बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे उनको याद करते हुए भावुक हो गए। गौरतलब है कि सुशील मोदी अश्विनी चौबे के पुराने मित्र थे और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी सुशील मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया, इसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सतपथ पे मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बोला नहीं मानते थे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। ये बहुत दुख भरी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे, हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। किसी का भी दुख सुख हो सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन के सच्चे सिपाही थे और मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध था और उनके निधन से मैं मर्माहत हूं। सांसद, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के अचानक निधन से हम सब बिहार और देश के लोग मर्माहत हैं। ऐसे नेता को हमने खोया है जिसकी भरपाई करना तत्काल बहुत मुश्किल है। ऐसे परिस्थिति में हम मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा परिवारजनों के, उनके सुचिंतक को, उनके समर्थक को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील करता हूं। श्रवण कुमार ने वक्त की संवेदना और सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन जिसको लेकर श्रवण कुमार ने अपनी संवेदना व्यक्त की, सुशील मोदी के निधन पर शोक जताया और साथ ही कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। श्रवण कुमार ने व्यक्त की संवेदना, सुशील मोदी के निधन पर जताया शोक। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शोक जताया और बिहार सरकार के मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने भी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की राजनीति का एक ध्रुव तारा टूट गया और तो वहीं डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि बिहार ने एक अनमोल रत्न को खोया जिसकी भरपाई असंभव है। का निधन बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सुचिता की राजनीति के अमिट हस्ताक्षर थे वो। वो केवल नेता नहीं बल्कि एक व्हिसिल ब्लोअर के तौर पर समाज में हमेशा खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए वह एक बेहद पीड़ा का क्षण है और मेरे लिए तो एक निजी क्षति के समान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा
को शांति प्रदान करे। बीजेपी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया और बता दें कि वे कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन पर राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सुशील मोदी के निधन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शोक संवेदना करते हुए कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक संघर्ष सुशील और कर्मठ नेता सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन की खबर सुन अत्यंत व्यथित हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमें सूचना मिली कि उनका निधन हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा छात्र जीवन से ही रहा है और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हो, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हो। बिहार में चौथे चरण के 5 सीटों पर मतदान का समापन हो गया। तीसरे चरण की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा। वहीं पटना में कुल कितना मतदान हुआ इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। वहां पर जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो तीनों लोगों को उधर भेजा गया, जांच कराया गया। चौथा चरण का मतदान में कुल 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यथा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर जिला में आज मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें मतदान केंद्रों की कुल संख्या 9,447 तथा मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 5,398 है तथा 6 बजे तक अनुमानित मतदान प्रतिशत 56.85 है। इतने निर्वाचकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। इस प्रकार से अभी तक कुल 19 लोकसभा क्षेत्रों में अर्थात बिहार के लगभग आधे लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। मतदान की कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। इस चतुर्थ चरण के चुनाव में जो प्रमुख चुनौतियां थीं उसका हमने किस प्रकार से निपटारा किया उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो मुख्य रूप से लखीसराय जिला के सूरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में समाहित हैं, उस पर हम लोगों ने पहले से ही कार्रवाई की, प्री पोल ऑपरेशन किया पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ। तेज प्रताप यादव और आरजेडी समर्थकों के बीच झड़प हुई है और राजद समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की और मारपीट हुई और साथ ही इस पूरे मामले पर अब जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने हमला बोला है और साथ ही कहा कि लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। ये लोग इससे ऊपर उठकर नहीं कर सकते राजनीति और साथ ही बिहार में पिछले 30 साल से लालू नीतीश का राज है और बिहार में और सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया है। 30 साल से ना गरीबी कम हुई ना ही बिहार के लोगों ने खुद को पलायन करने से रोक पाए हैं और साथ ही इस बार जनता उनसे नहीं बरकलाने वाली है। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के उनके बच्चों की सरकार को देखा है वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है। इन चार चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। बिहार के काराकाट हॉट सीट पर पवन सिंह की एंट्री के बाद यहां का चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। ऐसे में बिहार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह
नामांकन पत्र वापस नहीं लेते तो पार्टी अवश्य कार्रवाई करेगी। और वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि काराकाट की जनता और कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जीत को लेकर आश्वस्त पर्यटन मंत्री ने कहा कि वो भारी मतों से जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता के साथ और पूरी सारे कार्यकर्ता के साथ और भारतीय जनता पार्टी का पार्टी दल मिलकर भारतीय मतदाता हुआ है इनकी सहमति शुरू किया है। इसके लिए आज मैं क्षेत्र के जनता कार्यकर्ता साथ हुआ है भारतीय। तो सर अगर पवन सिंह जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से तो भाजपा आखिर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रही है, नहीं उन्हें भाजपा निष्कासित कर रही है, कारण क्या? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना साहिब लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस मौके पर उनके साथ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी और कांग्रेस के नेतागण भी उपस्थित रहे। में जाते उनके विश्वास से ये चुनाव वापस जीते। There issues are many. The first issue is that the Sansad who belongs to this place has never appeared here, never come before the people and tried to understand the problem. He's never been here. So the people are very angry. And then we come with a positive agenda of that we will guarantee jobs, also for empowerment of women, for the farmers, as well as the composite program of social justice. वो इतना घबरा गए हैं कि इस समय बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते और लोगों को जो कष्ट है उसकी बात नहीं करते। वो दूसरी बातें करते हैं और लोगों का ध्यान भटकाते हैं क्योंकि उनके हृदय में बहुत घबराहट है। मुंगेर में 13 मई को चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, जिसके बाद 6 विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टी देर रात ईवीएम को लेकर आरडी एंड डीजे कॉलेज पहुंचे, जहां ईवीएम को जमा किया गया। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि सभी ईवीएम को विधानसभा वॉर स्ट्रांग रूम में रखा गया है और उन्होंने कहा कि मुंगेर लोकसभा के 2029 बूथ हैं और साथ ही 4 जून को आरडी एंड डीजे कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जिसमें डीएपी बीएमपी और डीपीए को लगाया गया। ईवीएम की सुरक्षा के लिए सभी जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंगेर जिले में मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। अत्यंत छोटी मोटी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो किसी प्रकार की कोई वैसी घटना नहीं घटित हुई और जो अत्यंत छिटपुट घटनाएं हुई हैं तो उन पर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा और दंडाधिकारियों के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर उनको नियंत्रित कर लिया गया। तो मतदान अगर ओवरऑल हम देखें तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हुआ है। और जो अगर पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में देखें जो लगभग 55% वोटिंग है और बाकी तो सभी जगहों से ईवीएम अभी आ रहा है, उसकी एंट्री हो रही है, तो फाइनल फिगर कल आएगा। आज सुबह से ही हम लोगों का प्रयास था कि भयमुक्त वातावरण में हम लोग मतदान कराएं, उसी के लिए हम सभी लोग सुबह से ही तैनात थे। बूथ पे भी पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया हुआ था, बूथ के अतिरिक्त भी हम लोगों ने रोड पे भी पार्टी का गठन किया हुआ था, जिन्होंने बखूबी काम किया अपना। और अब जो है मतदान जो पूरा हो चुका है तो ईवीएम यहाँ पे वज्रगृह में आना शुरू हो गए हैं और ये प्रक्रिया भी चल ही रही है। इसमें यहाँ पे वज्रगृह की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने 3-tier सिक्योरिटी का इंतजाम किया है।
उच्चतम न्यायालय के नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इस लोक अदालत के माध्यम से अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निशुल्क निपटारा कर सकते हैं और इसी को लेकर गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय ने जिलेवासियों से विशेष अपील की है। बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये सूचना गोपालगंज जिले के आम नागरिकों को जरूर पहुंचे कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और आपसे भी निवेदन है कि इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करें ताकि गोपालगंज के आम नागरिक इसका लाभ उठा सकें। अगली खबर सासाराम से है जहां रायपुर चौर के खेल मैदान में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान साथ में डीएम ने अधिक मतदान करने को लेकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। डीएम नवीन कुमार और डीडीसी विजय कुमार पांडे ने कार्यक्रम में आई महिलाओं के साथ एक बातचीत की गई और साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान 4 वोटिंग रूम विकलांग और गर्भवती महिलाओं के लिए व्हीलचेयर पार्किंग मैदान की विशेष सुविधा की गई है। महिलाओं को जागरूक करते हुए एसपी विरत कुमार ने कहा कि जो महिलाएं सुरक्षा को लेकर डरती हैं उन्हें मिसगाइड किया जाता है। आप लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया और काफी विस्तृत रूप से बातें की। जो हम लोग बूथ पे इस बार फैसिलिटी दे रहे हैं, जो बाहरी इलाकों में पूरी तरह सभी जगहों पे चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था होगी वो आपके लिए होगी, जो पुलिस बल होगा वो आपके लिए होगा। असामाजिक तत्व उससे डरेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उनसे मदद लीजिएगा। और जो भी समस्याएं थी जहां जहां हम लोगों ने जगहों पर इसके पहले करीब 7-8 प्रखंडों में हम लोगों ने भ्रमण किया और वहां से जो बातें आई थी उन सभी का समाधान हम लोगों ने किया। धनबाद जिले के सभी अंगीभूत महाविद्यालय में सरकार के आदेश के बावजूद इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लिए जाने के खिलाफ छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व छात्र संघ सचिव चास महाविद्यालय युगदेव माथा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इंटर में पढ़ने वाले सभी छात्र फर्स्ट टाइम वोटर हैं और ऐसे में जो कॉलेज में इंटर की पढ़ाई शुरू कराएगा छात्र उसका साथ देंगे और इसी के लिए मसाला जुलूस भी निकालने का निर्णय लिया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने का निर्देश दिया था, बावजूद उसके पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। हम लोग पिछले एक साल से इसका लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक इसका सुनवाई नहीं हुआ है। अभी चुनाव का टाइम है तो हो सके अगर इस लड़ाई में अगर कोई हमारा साथ दे दे, इस चीज को अगर कोई चालू करवा दे तो बहुत बढ़िया होगा। फर्स्ट टाइम वोटर को इंटरमीडिएट का पढ़ाई मिल जाएगा, वो लोग भी जानेंगे कि हमारा शिक्षा नीति के लिए कोई काम कर रहा है। सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ, केंद्र सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ हैं। झारखंड सरकार ने ऑलरेडी बोला गया था, पिछले साल ही ऑर्डर दे दिया था हेमंत सोरेन जी ने कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई हर अंगीभूत कॉलेज में स्टार्ट हो, क्योंकि जब विधि व्यवस्था जब तक इसका पूरा नहीं होगा, जब इसको संशोधन करके इसका अगर व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक इसको जारी रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह काफी सक्रिय हो चुके हैं। पहले तो पुलिस बनकर बता दें कि बेटे को रेप केस से बचाने के लिए साइबर फ्रॉड किया जा रहा था और लेकिन अब साइबर फ्रॉड गिरोह ने एक नया हथकंडा अपना लिया है। एयरटेल नंबर वाले यूजर के मोबाइल नंबर पर फ्री वाईफाई से लेकर 4G से 5G करने की जानकारी यूजर्स को दी जा रही है और इसी दौरान कई लोग इस फ्रॉड के झांसे में आ जाते हैं, जिससे आसानी से साइबर फ्रॉड OTP नंबर लेकर बड़ा फ्रॉड कर देते हैं। उनतीस चार को मेरे पास एक कॉल आया
जो आपका मोबाइल एयरटेल का सिम है, 4G से 5G हो जाएगा। इससे पहले भी संबंधित कॉल आता रहता था, इस कॉल को हम नकार देते थे, कहते थे 4G 5G करा के क्या करेंगे। उस दिन हम दिन में खाना खाके सोए हुए थे, बड़ी गर्मी थी। उस बीच में मैं बाथरूम जाके पेशाब करके लौटा, आधी नींद में ही था, फिर उसका कॉल आ गया। मेरी मति मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने जैसा कहा मैंने कर दिया। क्या कहा? गया जिले के इमामगंज थाना अंतर्गत मोनबार में नक्सलियों ने फायरिंग की और जानकारी के मुताबिक मोनबार गांव में सोरहर नदी पर पुल निर्माण कराया जा रहा था और इसी बीच आधा दर्जन की संख्या में नक्सली पहुंचे और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुल निर्माण में लगे कर्मियों का कहना है कि लेवी की डिमांड पूरी नहीं किए जाने के कारण नक्सलियों ने फायरिंग की थी। गया पुलिस लगातार नक्सलियों के विरुद्ध तथा अपराधकर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दिनांक 5 मई 2024 को एक जो इमामगंज थाना क्षेत्र के मोनबार छोटा करासन पुल के पास कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा नक्सली संगठन के नाम पर वहां पर लेवी की मांग की गई है और डराने की नीयत से, लेवी लेने की नीयत से वहां पर फायरिंग भी किया गया है। खबर बेतिया से है, जहां के सीकर हना नदी में डूबकर दो बच्चे लापता हो गए। बच्चियों के डूबने की सूचना मिलने पर स्थानीय गोताखोरों ने दोनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चियों की अभी तक कोई खबर नहीं मिली और एसडीआरपीएफ की टीम दोनों की छानबीन में जुटी है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बीते सोमवार की शाम में दोनों बच्चियां बकरे चराने गई थी, लेकिन दोनों वापस घर नहीं लौटी और जिसके बाद परिजनों ने छानबीन शुरू कर दी। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगे 5/24 को संध्या 7:00 के लगभग दो बच्ची स्नान करने के क्रम में डूब गई। सूचना मिली है, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आई है, हम भी पहुंचे हुए हैं। लाश की खोजबीन की जा रही है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, खोज जारी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रघुनाथ चौधरी हुआ, प्रभारी अंचल निरीक्षक। मतलब सर यही है, जो कल करीब शाम 4 के करीब दो लड़की बकरी चराने आई थी, जिसे नदी को नहाने के क्रम में दोनों डूब गए। एनडीआरएफ की टीम आई है, कुछ दिन हो रहा है, अभी तक लाश बरामद नहीं हुई है। बरामद होने के बाद सूचना प्रशासन को दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असर अली। बोकारो जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन तत्परता के साथ काम कर रहा है और इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप प्रोग्राम के तहत बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में सहिया स्वास्थ्यकर्मी समेत अन्य लोगों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शपथ ली। बोकारो डीडीसी संदीप कुमार ने सभी को शपथ दिलाई और इस दौरान एक मतदाता जागरूकता जुलूस भी निकाला गया, जिसमें लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए मतदान को लेकर कई जानकारियां भी दी गई। स्वीप का प्रोग्राम हम लोग यहां जारी रखे हुए हैं बोकारो जिले में, और आज का ये प्रोग्राम में हमारे पूरे सहिया लोग, दीदी लोग, CHO लोग, ANM लोग और भी मेडिकल विभाग के जितने भी हैं सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आए हुए हैं, अन्य ग्रामीण लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और शहर के लोग तो मॉर्निंग वॉक करते हैं इसलिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी से मेरा यही अनुरोध है, जिला प्रशासन की ओर से यही अनुरोध है कि 25 तारीख को जो है आप लोग अवश्य मतदान करेंगे। अगली खबर आरा से है, जहां प्रखंड प्रमुख के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद अपराधियों ने बाइक सवार युवक को घेरकर ताबड़तोड़ 5 गोली मारी और जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि युवक घर से ब्लॉक जाने के लिए निकला था, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
प्लेस हमको मालूम नहीं था कहाँ गए थे, ये मालूम था चला था कि ब्लॉक गए। अच्छा, ब्लॉक के बाद हमारा मालूम नहीं था, बोला था कि 3 बजे थे आया था ब्लॉक में, फिर उसके बाद हमारा मालूम नहीं था कि कब कहाँ गया नहीं गया। तो फिर कैसे पता चला आप लोगों को, खोजबीन किए थे? नहीं, हम खोजबीन नहीं किए, हमको पास घर अति गया, फोन गया, चौकीदार गया था, वही बोला हमसे कि जाओ लड़का का गोली लगा है। कहाँ पे मिला ये? सहारनपुर के कहीं पास में मिला है, आइए रोड पर से उतरता था कि क्या, कभी हम नहीं देखे, परंतु नहीं गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।